हेलो फ्रेंड्स, टेक चैनल आज के ज्ञान में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम अनबॉक्सिंग और प्रोडक्ट रिव्यू करेंगे टाटा स्वच डिजायर प्लस वाटर प्यूरीफायर का। टाटा स्वच का ये मॉडल अभी हाल ही में इन्होंने लॉन्च किया, डिजायर प्लस मॉडल। मैं इस मॉडल की स्पेशली अनबॉक्सिंग क्यों कर रहा हूँ ये तो मैं इस वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले शुरू करते हैं अनबॉक्सिंग। बॉक्स की अगर हम बात करें तो काफी कलरफुल बॉक्स किया हुआ है। टाटा स्वच डिजायर प्लस इसका मॉडल का नाम हो गया। साथ ही साथ 6000 लीटर का इसका मेम्ब्रेन का कैपेसिटी है। 1.5 साल कार्ट्रिज लाइफ है। वो कैसे है वो भी मैं आपको आगे इसमें बताता हूँ। नीचे टोल फ्री नंबर्स लिखे हुए हैं कि अगर आपको कोई भी सर्विस के रिगार्डिंग अगर आपको कुछ चाहिए हो तो आप वहाँ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा साइड व्यू में अगर बात करें तो उसके फीचर्स लिखे हुए हैं जो की फीचर्स हैं, जैसे 27 लीटर का कैपेसिटी है। साथ ही साथ आप जब इसमें से प्योरीफाइड वाटर आता है तो वो बॉइल्ड वाटर जितना क्लीन होता है। साथ ही इनकी जो टेक्नोलॉजी है उसके बारे में लिखा हुआ है। डायरेक्ट आप टैप से भी फिल कर सकते हैं, मैन्युअली भी फिल कर सकते हैं। तो ये है इसका बॉक्स। और इस प्रोडक्ट का MRP 3,200 रुपये है, लेकिन मार्केट में प्रोडक्ट आपको आराम से 2600 से 2800 रुपये तक मिल जाएगा। लेकिन सबसे जो खास बात है वो है इस प्रोडक्ट की जो पैकिंग है, वो काफ़ी उन्होंने कलरफुल पैकिंग दी है और वो काफ़ी कुछ इसके जो अंदर जो यूनिट है उससे कलर इसका मिलता जुलता है पैकेजिंग का। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम प्रोडक्ट देखते हैं कैसा है। तो ये है हमारी कंप्लीट यूनिट और सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन करा देता हूँ इसके पार्ट्स के साथ में। तो ये है इसका अपर लिड जो ढक्कन है जहाँ से आप पानी डालेंगे। ये है इसका सबसे नीचे का बेस जहाँ पर यूनिट रखी जाएगी। ये है इसका पानी का लोअर कंटेनर और ये है अपर कंटेनर। साथ में एक पाइप है जो नल से कनेक्ट करने के काम आएगा। सबसे जरूरी चीज जो इसका हार्ट है, जो दिल है इसका, वो है इसकी मेम्ब्रेन। तो वो ये है जो बैक्टीरिया वायरस को किल करेगा, पानी फिल्टर करेगा। और एक आता है साथ में टॉप फिल्टर जिसे मैश भी बोलते हैं। ये कपड़े से बनी हुई होती है, बहुत मतलब अच्छी क्वालिटी के बहुत मैश होती है जो फिजिकल जो इम्प्योरिटीज होती है उनको रोकने का काम करती है। और साथ में आता है एक यूजर मैनुअल। यूजर मैनुअल में सब कुछ प्रॉपरली मेंशन्ड है, मतलब कैसे असेंबल करना है, कैसे क्लीनिंग है, जो रिप्लेस करना है इसकी कार्ट्रिज तो वो कैसे रिप्लेस करनी है, और सब कुछ मतलब प्रॉपर मेंशन है इसके अंदर। तो ये है साथ में हो गया इसके एक यूजर मैनुअल। अब मैं सबसे पहले मैं आपको इसकी असेंबलिंग बताता हूँ कि असेंबल कैसे करना है। असेंबलिंग बिल्कुल ईजी है, सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट लगते हैं। ये है इसके साथ में एक टैप और टैप को लगाने के लिए इसका ये पीछे का हमें पार्ट खोलना है। इस टैप के साथ में 2 वॉशर दिए हुए हैं। एक वॉशर को हमें अंदर की तरफ रखना है और एक वॉशर को हमें बाहर की तरफ रखना है, कुछ इस तरह से। और इसको अंदर, एक वॉशर को अंदर की तरफ लगा देना है और इसको हमें टाइट कर देना है, अच्छे से टाइट कर देना है ताकि पानी लीकेज ना हो। और ये लग गया हमारा टैप। इसके बाद में जो अपर कंटेनर है, अपर कंटेनर के अंदर लगता है इसका सबसे जो ऊपर वाला जो फिल्टर है उसके लिए, जिसमें जो ये पार्ट है इसको बोलते हैं इसका नॉब। नॉब में इसके अपर फिल्टर में भी इसी सेम डिजाइन का एक पार्ट है, उसको इसमें डालना है और उसको क्लॉकवाइज घुमा देना होता है। बस इतना सा करना होता है और ये फिल्टर लग गया और इसको इसके ऊपर रख देना है। इसको इसके ऊपर रखने के बाद में अब हमें लगाना है इसका टॉप लिड। अब टॉप लिड में हमें लगानी होती है इसकी मैश। तो ये आपका एक कंप्लीट प्यूरीफायर रेडी है। अब आपको जो इसमें ऊपर जो वाटर फिल करेंगे, इसका जो फ्लो रेट है, वाटर कैपेसिटी जो प्यूरिफिकेशन का जो फ्लो रेट है वो है 4 to 5 लीटर पर आवर। और जब भी आप इसमें ऊपर पानी फिल्टर करते हैं तो लगभग 4 से 5 लीटर एक घंटे में प्यूरीफाई कर देता है। तो लगभग आपका जो टोटल टाइम लगता है 2.5 से 3 घंटे का टाइम लगता है, जिसमें ऊपर का जो कंटेनर है नीचे कंप्लीट आ जाता है। टोटल जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो है 27 लीटर का। ऊपर का जो स्टोरेज है वो है 13 लीटर और नीचे का जो स्टोरेज है वो है 14 लीटर स्टोरेज का। अब सबसे जो पसंद जो मुझे इसकी आई वो है इसका डिजाइन। डिजाइन काफी यूनिक है और काफी जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, अनब्रेकेबल है और साथ ही साथ स्क्रैच रेजिस्टेंट है। एक और चीज जो मैं सबसे जो जरूरी चीज बात करना चाहूंगा वो है इसकी मेम्ब्रेन। तो मेम्ब्रेन जो है वो इसकी इस टेक्नोलॉजी के साथ में है कि जो पानी में धूल और मिट्टी के साथ साथ बैक्टीरिया, वायरसेस और सिस्ट को भी रिमूव करती है। ये तो सबसे जरूरी चीज है, क्योंकि जनरली होता है कि जो भी आपका पानी आ रहा है अगर आप उसे छानते हैं तो धूल और मिट्टी तो वो भी हटा देते हैं, लेकिन उसके अंदर जो बैक्टीरिया है, वायरसेस हैं या जो सिस्ट हैं वो पानी छानने से नहीं हटता है। तो उसके लिए या तो आप पानी को बॉईल करते हैं, तो पानी को बॉईल करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है। आप उसमें पहले बॉईल करते हैं, फिर ठंडा करते हैं, आपकी जो गैस का जो कंजप्शन होता है, जिस चीज़ से भी आप गर्म कर रहे हैं वो भी बहुत ज़्यादा होता है, बहुत माथापच्ची वाला काम है। लेकिन इससे जो आपका काम है बहुत सिंपल।
बाकी जब आप इसे फिल करते हैं तो इसमें ना तो आपको मतलब आप मैन्युअली भी फिल कर सकते हैं, साथ साथ इसमें आप टैप से नल से भी कनेक्शन कर सकते हैं, क्योंकि स्टोरेज पेरीफायर में यही एक प्रॉब्लम रहती है कि हमें बार बार उसको मैन्युअली फिल करना होता है, तो बार बार यही लगता है यार बार बार फिल करो। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप इसे नल से कनेक्शन कर सकते हैं, नल से कनेक्शन कर दिया तो ठीक है, बार बार भरना नहीं है, नल चालू किया प्योरीफायर भर गया फिर ऑफ कर दिया, तो वो एक बेटर प्रोडक्ट हो गया उस लिहाज से भी। साथ ही साथ जो सबसे जो खास बात है इस प्रोडक्ट की, ओवरऑल प्रोडक्ट क्वालिटी एंड फिनिशिंग बहुत शानदार है। जो प्लास्टिक क्वालिटी है उसकी भी क्वालिटी बहुत अच्छी है, अनब्रेकेबल प्लास्टिक है, और सबसे जरूरी चीज है वो है इसकी प्योरिफिकेशन क्वालिटी। तो प्योरिफिकेशन क्वालिटी देखिए, मैं अगर आपको इसकी कैटेगरी से जो इसी कैटेगरी के जो दूसरे जो ब्रांड्स के जो प्योरीफायर अगर उनसे कंपेयर करूं तो बहुत एडवांस है। मतलब जो एक तो मैं ब्रांड का नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो ब्रांड तो एक केमिकल भी यूज में लेती है, क्लोरीन बकायदा उसके बॉक्स में लिखा हुआ आता है। तो ये जो टाटा स्वच्छ का जो ये प्योरीफायर है, ये विदाउट एनी हार्मफुल केमिकल, जो आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं है, उस विदाउट एनी हार्मफुल केमिकल ये आपको पानी प्योरीफाई करके देता है। अब हम बात करते हैं मेंटेनेंस कॉस्ट की। तो मेंटेनेंस कॉस्ट दोस्तों टाटा स्वच्छ डिजायर प्लस प्योरीफायर का मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत कम है। अगर मैं इसी कैटेगरी के जो दूसरे ब्रांड के जो प्योरीफायर अगर उनसे कंपेयर करूं तो मेरे हिसाब से लगभग ये 3 गुना तक सस्ता है। और ऐसा भी कुछ नहीं कि उनका प्योरीफिकेशन बहुत ज्यादा बेटर हो या उनकी प्रोडक्ट क्वालिटी बेटर हो या फीचर्स बहुत ज्यादा हो, फीचर्स भी बहुत शानदार दिए हुए हैं, प्योरीफिकेशन क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, जो आपके पानी को एकदम बॉइल्ड वाटर की तरह आपको प्योरीफाई करके देगा। साथ ही साथ अगर मैं मेंटेनेंस कॉस्ट की बात करूं तो ये जो प्रोडक्ट है ये 6,000 लीटर अपने को पानी प्योरीफाई करके देता है, जो मेरे हिसाब से इस कैटेगरी में सबसे ज्यादा है इस स्टोरेज प्योरीफिकेशन कैटेगरी के अंदर। एक और बात की अगर बाद में जो उसका कॉस्ट आता है वो अप्रॉक्स 600 रुपए का कॉस्ट है, तो मतलब लगभग आपका प्रति लीटर आपको जो प्योरीफिकेशन कॉस्ट आ रही है वो आ रही है 10 पैसे प्रति लीटर की कॉस्ट, मतलब बहुत रीजनेबल है यार, इससे ज्यादा क्या हो सकता है। और प्रोडक्ट की प्राइस की अगर हम बात करें तो इसी कैपेसिटी के जो दूसरे ब्रांड के जो प्योरीफायर हैं उनकी प्राइस है थोड़ी सी ज्यादा जरूर है, लेकिन एक तो इसकी प्रोडक्ट क्वालिटी साथ ही साथ इसका मेंटेनेंस कॉस्ट में बहुत डिफरेंस है, तो इसमें अपने को बेनिफिट है मेंटेनेंस कॉस्ट में। मैं तो इतना जानता हूं कि ठीक है पैसा एक बार लग रहा है लेकिन बाद में आपको मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत कम है। एक और बात की पूरे विश्व में लगभग 1 बिलियन लोग, मतलब 100 करोड़ लोगों को शुद्ध पानी नसीब में नहीं है, और इसमें से भी ज्यादातर लोग विकासशील देशों में से है जिसमें हमारा देश भारत भी शामिल है। तो मैं तो ये चाहता हूँ यार सीधा सीधा से बात है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको अफोर्ड कर सके, इसके लिए गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ करना चाहिए, इसके ऊपर से टैक्स हटा देना चाहिए या सब्सिडी देनी चाहिए, जो भी करे ज्यादा से ज्यादा लोग इसको अफोर्ड कर सके, ताकि लोग कम से कम साफ पानी तो पिए, और साफ पानी पियेंगे तो उनसे जो वाटर डिजीज होती है, जो पानी से जो पैदा होने वाली बीमारियां कम से कम वो तो नहीं हो, क्योंकि बहुत जरूरी है पानी। हमारा जो शरीर है वो लगभग 70% पानी से बना हुआ है, तो बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत शानदार प्रोडक्ट है। वो लोग जो बजट में एक कम बजट में और बहुत अच्छा प्योरीफायर देख रहे हैं तो उनके लिए एक शानदार ऑप्शन है टाटा का। और टाटा कोई ऐरा गैरा कोई ब्रांड नहीं है जिसकी ब्रांड के लिए मुझे कुछ बोलना पड़े या इंट्रोडक्शन देना पड़े, तो बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है। अगर आप इस वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल पूछना चाहें तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं, और हमेशा की तरह इसका बेस्ट बाय लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहां जाकर आप इसे परचेज कर सकते हैं। तो